हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल मैवरिक गौरव। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:10 और अभी हम लोग जस्ट सिद्धू भैया के स्विफ्ट जो गाड़ी है उसमें निकल रहे हैं। इतने सुबह सुबह निकलने का जो मेन रीज़न है वो है कि जो इन लोग का जॉब है वो मतलब अलग अलग शिफ्ट में चलता रहता है, तो अभी इन लोग का एकदम मॉर्निंग शिफ्ट है, तो अभी इस टाइम पर हम लोग निकले हैं और लिए उसके बाद हम लोग क्या एक्सप्लोर करते हैं आपको भी दिखाएंगे। और गुड मॉर्निंग सिद्धू भैया, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग, हाय कर दीजिए। और चलिए इनको इन लोग के साथ, तो फिर अभी हम दो ढाई तीन बजे के बाद है ना, दो बजे के बाद मिल पाएंगे। और क्या कैसा प्लान बनता है सब आप लोग को दिखाते हैं। मैं एयरपोर्ट के पास, वो लोग एयरपोर्ट पे जॉब करते, तो वो लोग के लिए एक अलग सा रास्ता बनाया गया, तो उस रास्ते से वो लोग गए। और अभी हम ऑटो लेते हैं और चलते हैं जुहू के लिए। सो गाइस, अभी हम लोगों ने अभी ऑटो ले लिया, यह मीटर सिस्टम है, तो मीटर पे जो भी पैसा आएगा वो हम लोग को देना होगा। ये रीसेट हो गया, चलते हैं अभी जुहू के लिए। कर दिया है और हमने 120 रुपये दिए और मीटर सिस्टम हमने पहली बार यूज़ किया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो लोग पटना बिहार से देख रहे हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे कि उतना में हम लोग यहाँ पटना से मुजफ्फरपुर आराम से चले जाते हैं अच्छे एसी बस में, और यहाँ हमको 7 किलोमीटर का लिया इतना। खैर, यहाँ के हिसाब से जो खर्च है वो ज़्यादा है। और अभी मैं कहाँ हूँ क्या आप गेस्ट कर पाएंगे? मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ये देखिएगा, इस लाइफ में पहली बार समुद्र को इतने करीब से देखा, अपनी आँखों से देखा है, और क्या ही नज़ारा है। मैं आपको बस सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ आपको यहाँ का। Let's go.
गाइस अभी नारियल पानी पीते हैं। यहाँ आके इतना मज़ा आ रहा, क्या बताऊँ मैं आपको। और वीडियो में तो मैं कुछ दिखा ही नहीं पा रहा, मुझे मतलब सिनेमैटिक शॉट उतना अच्छा आता नहीं है। ये जो हवा है, ये जो लहरें हैं, कुछ तो कहती हैं, हम लोगों का स्वागत करती हैं। आइए ज़रूर घूमिए, जुहू बहुत सुंदर जगह है, लहरें तो भाई क्या ही कहना। मैंने अभी एक नारियल पानी पिया और उसके अंदर फिर वो जो था वो खाया, अभी खा के कुछ आया नहीं था, पता नहीं क्या है, अब कितनी देर बाद खाऊंगा। मैंने बोला भैया इसको निकाल दो, तो उन्होंने निकाल दिया और हमने उसी को खाया। काम चलाऊ हो चुका है अपना काम, और फिलहाल हम ऋतिक रोशन का घर ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है हमको। तो जो आप पीछे देख रहे हैं वो जो बिल्डिंग है उसी में अक्षय कुमार रहते हैं और ऋतिक रोशन भी वहीं, मतलब यहीं उनका भी घर है। और ये पड़ता है जुहू में। बहुत ढूंढने के बाद हमें जाके ये उनका घर मिला, और नज़ारा यहाँ का इतना अच्छा है। हम तो यहाँ घूमने आए तो ठीक है, इन लोग का तो घर है भाई, पैसे वाले लोग क्या ही करें। और मतलब थोड़ा सा गंदगी भी है, गंदगी का थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे आए तो कचरा ना फैलाएं। और बाकी यहाँ से क्या ही व्यू होगा आप समझ ही सकते हैं। और वो ठीक सामने इनका अक्षय कुमार का घर है भाई। हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है, मतलब समुंदर का पानी तो है लेकिन वो यूज करने वाला पानी नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। ये खरीदा है और पाव भाजी ऑर्डर किया, देखते हैं खाके कैसा होता है। चूतिया बनाया तुमको, एवरेज है, कोई उतना है ये है ना, एवरेज से भी नीचे चाय। बिहारी लोग हर जगह है भाई, हर जगह यूपी बिहार के लोग। 12:07 हो रहा है और अभी निकलते हैं एयरपोर्ट T2 के पास, क्योंकि मामा जी ने मुझे वहीं पे बुलाया है। और चलिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा और मेरा बैटरी डाउन है, तो डायरेक्ट उसके बाद अब चार्ज करके ही फिर आपसे बात कर पाऊँगा। कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।